So welcome back dear students, good morning to all of you. How are you all? I'm fantastic. So last class में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज के बारे में? Physical and chemical changes के बारे में. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत क्या है? क्या आग लगी हुई है कि मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ रहा है, बताओ जरा क्यों? वेरी गुड, ये पता करने के लिए कि मिक्सचर किस किस चीज से मिलके बना हुआ है. ठीक है, अब मिक्सचर सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, गैसेज इन गैसेज हो सकता है, गैसेज इन लिक्विड हो सकता है. तो जो सेपरेशन की टेक्निक हम लोग यूज करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों का स्टेट क्या है, समझ पा रहे हो? दूसरा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि हमने क्या करा, सैंड विद आयरन मिला दिया, लोहा का चूरा लिया, आयरन फाइलिंग्स और उसके साथ सैंड मिला दिया, और मैंने कहा भाई इनको सेपरेट करो. तो आप क्या सोचोगे कि इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी पकड़ोगे? आपको पता है कि आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, तो आप मैग्नेट उठाओगे, उस रेत में घुमाओगे, सारा का सारा चिपका लोगे, इस तरीके से सेपरेट कर लोगे. बात समझ में आ रही है? तो हमको करना क्या है सेपरेशन में, बस ये पकड़ना होता है कि यार इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से किसी एक की प्रॉपर्टी हमें पता लग जाए, हम सेपरेट कर ले जाएंगे. क्लियर है कहानी? बोलो हाँ या ना? सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. तो लगा लीजिए हेडिंग, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. दो सॉलिड्स जो कि मिक्स हो रखे उनको अपन ने सेपरेट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सॉलिड है, शुगर एंड सैंड. मेरा कहानी ध्यान से सुनना, कौन कौन से दो सॉलिड है मेरे पास? शुगर एंड सैंड, दोनों सॉलिड स्टेट में. अच्छा, अब किसी ने हमसे बोला कि भाई इनको सेपरेट करो, हमने लगाया दिमाग, शुगर जो होता है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, हाँ या ना? सैंड नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट जो इन दोनों में से किसी एक को डिजोल्व कर सके, समझ में आ रही बात? उसके बाद फिल्टर कर लेंगे, सैंड वहीं छूट जाएगा, वाटर के साथ मिक्स होके क्या आ जाएगा, शुगर, हमारा काम चल जाएगा. सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. किस पे डिपेंड करती है? यही मैं कह रहा था कि किसी एक की एक प्रॉपर्टी को पकड़ लेंगे, उससे काम चला लेंगे. ठीक है ना, तो लिखिए, पहला है सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट. सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट. सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट, इसमें डैश करके लिखिए. सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. As one constituent of this mixture is, as one constituent of this mixture is soluble in water, whereas the other constituent is insoluble in water. Whereas the other constituent, background mein likh dena sand, is insoluble in water. So by taking water as a solvent,
sugar and sand can be separated. So by taking water as a solvent, sugar and sand can be separated. कुछ क्लियर हुआ? Yes. पक्का? इसके अलावा मेरे को लगता है NaCl और वो सैंड को भी ऐसे सेपरेट करा जा सकता है ना। तो एक और एग्जांपल है NaCl और सैंड का, ठीक है। अब थोड़ा सा इस टेक्निक को जानने के लिए थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने शुगर और सैंड भरा हुआ है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। क्या करेंगे, इसमें वाटर को ऐड करेंगे और स्टिर करेंगे ताकि जिसने घुलना हो घुलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपको शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। नीचे कौन रह जाएगा? सैंड। अरे हाँ, या ना इनसॉल्युबल है भैया, ठीक है। अब अभी सेपरेट हुआ नहीं है, सेपरेट करना है। क्या बात, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ खास मुझे बता दो, मैं मुस्कुराऊंगा, मेरी मजाक बना रहे हो पक्का ना? उर्वशी समझ गया, रुक जाओ कैमरा घुमाऊंगा तेरी तरफ, फिर सब तेरे पे हंसेंगे, देख बदतमीज। अब कर लेंगे अपन फिल्टर। तुम्हारे दिमाग में मुझे फिल्टर लगाना पड़ रहा है, यहां सालों में पढ़ाता रहता हूं और तुम मेरी मजाक बनाते रहते हो। अच्छा, मैं फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर रहा था, तुम तो पहले फ्लॉप करवाए थे मुझे। हाँ देखो, अब खुश हो गए हो, सबसे ज्यादा शैतान है उर्वशी। उर्वशी शैतान सबसे ज्यादा तू है, लेकिन मजे सब लेते हैं भाई। ये देखो फिर हंस रही है। कुछ इस तरह का फनल हमने लगा रखा है, फिगर को बनाना है आपने, फिल्टर पेपर डाल देंगे, रेसिड्यू का मतलब जानते हैं? है भाई नहीं, बचा हुआ। क्या होता है रेसिड्यू का मतलब? बचा हुआ। तो आपने शुगर सॉल्यूशन को उठाया, फनल लगाई, यहां पे स्टॉपर लगाया, इसको घुमा करके हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। यहां पे हमने फिल्टर पेपर लगा रखा है, तो आपको यहां दिख रहा होगा हमने लिखा हुआ सैंड रेसिड्यू। तो जो बची हुई सैंड है, मतलब सैंड फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाएगी, तो यहां पर रुक जाएगी ऐसे, और बूंद बूंद करके शुगर सॉल्यूशन हमारे हाथ लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने शुगर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। इसे बना लीजिए जरा, शाबाश। एक दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइक डिसॉल्व लाइक, याद है? अरे हाँ, या ना। तो वाटर का नेचर कैसा होता है, है? बोलो, आयनिक होता है कि नॉन आयनिक? H2O बताया था मैंने, कुछ एक और नाम बताया था, पोलर। क्या वाटर पोलर नेचर का होता है? तो क्या इसमें NaCl डिसॉल्व हो जाएगा? क्योंकि NaCl के पास Na प्लस और Cl माइनस है, और वाटर के पास भी ऐसे सीन है ना। तो कुछ नाम लिख लेंगे जो सॉल्यूबल है वाटर में, लिखिए, नोट डाल के लिखिए। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट कॉमा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कॉमा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड
पोटाश एलम POTASH फिट करी यानी एंड पोटाश एलम POTASH ALUM आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर। ये सारे के सारे कैसे नेचर के आयनिक और वॉटर है पोलर तो प्लस माइनस चार्ज के कारण लाइक डिजोल्व लाइक हो जाता है आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर बट कार्बन एंड सल्फर आर इनसॉल्युबल इन वॉटर। कार्बन एंड सल्फर आर इनसॉल्युबल इन वॉटर। अच्छा आप सुनो, मान लो नमक और चीनी का घोल मिक्सचर दे दिया आपको, क्या क्या दे दिया, शुगर एंड सॉल्ट। अब आपसे कहा कि इनको सेपरेट करो बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। पानी लोगे क्यों, क्योंकि वाटर तो दोनों में डिसॉल्व, मतलब वाटर दोनों को डिसॉल्व कर लेगा, तो फिर क्या लें, उसमें कौन डिसॉल्व होगा, सल्फर होता है उसमें, सल्फर होता है उसमें डिसॉल्व। एल्कोहल ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, एल्कोहल सिर्फ शुगर को डिसॉल्व करेगा, सॉल्ट को नहीं करेगा, रीजन बताएं, सेम लाइक डिसॉल्व लाइक। शुगर कैसा है, नॉन आयनिक, और एल्कोहल भी कैसा है, नॉन आयनिक, जबकि सॉल्ट कैसा है, आयनिक, इस कारण लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल लगेगा और शुगर एल्कोहल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, हमारा काम चल जाएगा NaCl, फिर हम फिल्टर करके निकाल लेंगे। बात समझ में आई तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, एग्जाम में पूछा जा सकता नहीं, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे सल्फर एंड सैंड। बताओ कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो सल्फर को घोल लेगा, कार्बन डिसल्फाइड, ठीक है ना, तो लिख लीजिए मिक्सचर ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कार्बन डिसल्फाइड, बाय यूजिंग कार्बन डिसल्फाइड। पता है कौन घुलता है इसमें, सल्फर घुल जाता है कार्बन डी सल्फाइड में। तो ये पहला टेक्निक हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें कि यूजिंग एज अ सुटेबल सॉल्वेंट का हम हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट से पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी सॉलिड को हमने हीट करा, ध्यान से सुनिएगा, और वो डायरेक्टली गैसीय स्टेट में बदल जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। आपने कभी देखी कोई चीज जो सब्लिमेट होती है, कैम्फर देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे, नेफ्थलीन बॉल्स पता है ना सबको, सिद्दीकी साहब कपूर जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा वो स्फेरिकल शेप की होती है, आप कपड़ों में डाल दो बक्से के अंदर, कुछ एक डेढ़ महीने बाद गायब हो जा रही है, समझ रहे हो ना, कोई रेसिड्यू बचता ही नहीं है, आ रही बात समझ में, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं सब्लिमेट, क्या बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो हेडिंग लगाएंगे सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। इसमें लिखिए द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड, भाई किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हैं, समीर इतना क्यों झुक रहे हो बेटा, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। अब आप सोचोगे सर वो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है उनको कौन हीट करता है, तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं हीट, समझ रहे हैं ना, क्या लिखा, डायरेक्टली ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, एंड ऑफ वेपर्स
इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अभी एक दो नंबर का सवाल भी तैयार हो गया, डिफाइन सब्लिमेशन। समझ में आ गई बात? किसी भी सॉलिड को हीट करोगे डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन, और इसका उल्टा भी ट्रू है, किसी भी वेपर को कूल करोगे डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो भी सब्लिमेशन। एक सवाल आया मेरे मन में, पूछूं? यस सर नो तो बोलो। यस सर। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन गैस है कि वेपर है? गैस। तो वेपर क्या होता है? शाबाश, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। कोई और? कोई भी एलिमेंट अगर रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में है खुद से तो उसे गैस बोला जाता है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस नहीं है, आप हीट करके बना रहे हो, तब वेपर बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे H2O का वेपर बनाया जाता है, आप हीट करते हो तब तो बनता है, रूम टेम्परेचर पे तो H2O कैसा रहता है, लिक्विड स्टेट में। कहानी क्लियर? पक्का? आगे लिखेंगे? नोट डाल के लिखिए। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। ज्यादातर में सब्लिमेशन होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, जैसे कि NaCl हो गया। अच्छा सुनो, अगर तुम नमक को तवे पे गर्म करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वेपर नहीं बनता NaCl का। समझ पा रहे हैं ना? खाली हीट हो जाएगा, और क्या होगा? थोड़ा पानी मिला दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सफेद चीज सब्लिमेशन शो करती है। लिखिए आगे। जो वेपर बन जाते हैं ना उन्हें कहते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर नहीं, जो वॉलेटाइल नहीं होते। भले भगवान। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिनका वेपर नहीं बनता, ठीक है ना? तो लिखो, अमोनियम क्लोराइड कमा आयोडीन कमा कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड कमा आयोडीन कमा कैम्फर कमा नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ANTHRACENE। क्या छूट गया उर्वशी? कुछ छूटा? एंड एंथ्रासीन, ANTHRACENE। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। ठीक है, और जरा इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं कैसे हम लोग सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया इस तरीके से, इसके ऊपर हमने लगी चाइना डिश। देखिए पक्का चीनी मिट्टी के, मतलब चीनी मिट्टी कहते हैं लोग इसे ना, ज्यादातर बर्तन। चाइना डिश ले ली और इसके ऊपर रख दिया इन्वर्टेड फनल, फनल को उल्टा करके इस तरीके से, ठीक है। NaCl प्लस NH4Cl, बताओ दोनों में से कौन सब्लिमेट है? अमोनियम क्लोराइड। और यहां पे लगा देंगे वायर गेज।
होल्ड करने के लिए से ना, यहाँ पे आप लगा दीजिए बर्नर, अब जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और इसको यहां से ढक देना आपने कॉटन प्लग लगा के, रुई लगा दो। अब क्या होगा, देखो वेफर बनेगी, ऊपर ऊपर जाएगी, यहां से एयर आएगी, हीट ट्रांसफर होगा, वेपर ठंडी होनी स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, यहां चिपक जाएगी वेपर ऐसे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, वेपर्स ऑफ NH4Cl, तो ये मिल गया हमको प्योर अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आई, बाद में हम इसे हटाएंगे, इसको निकाल लेंगे, खत्म खान बना लीजिए जरा। वाटर कहाँ है इसमें, अमोनियम क्लोराइड और NaCl है, वाटर होता तो वाटर भी हो जाता। पढ़ाने क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड का सेपरेशन, चार पांच टेक्निक के बारे में नाम ध्यान रखते हो, पहले कौन सा सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, सेपरेशन लगा मैंने कहा सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड गलत है क्या, सर हो जाता है सर, दिख रहा है ना, पढ़ भी लेना, पहला मेथड बाय फिल्ट्रेशन, पहला मेथड है बाय द फिल्ट्रेशन पेपर, फिल्टर, इसमें फिल्टर पेपर का यूज होता है, जैसे कि फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर, फर्स्टली वी हैव टू डू क्या, इधर द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एंड क्या, बिफोर अ फिल्टर पेपर कैन यूज फॉर प्रोसेस ऑफ बिफोर अ फिल्टर पेपर कैन बी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इट इज फोल्डेड प्रॉपरली टू मेक अ हॉलो स्पून, फर्स्टली यू हैव टू टेक अ राउंड शेप ऑफ फिल्टर पेपर, देन यू हैव टू फोल्ड इट हाफ, ड्राइंग फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे कराया, देन वी हैव टू फोल्ड इन हाफ, ओवरलैप इट, से फोल्ड करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसे 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 दिखाने के लिए, देन वी हैव टू अगेन फोल्ड, हंस के रहो, कौन से बनाना, क्या करूं सर, मैं ड्राइंग ही ऐसी है,
वेरी गुड कौन क्या होता है क्या एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर सब वाटर क्या और क्या वन मोर एग्जांपल तो और क्या है और तो है ना सर सोचने तो दो 30 मिनट हो गए होता है ही नहीं अच्छा 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 देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स 3 और क्या है और क्या है सर ने कुछ तो बताया था सॉलिड लिक्विड का चाहिए क्या टॉपिक चेंज फर्स्ट एग्जाम्पल इज सैंड एंड वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर सैंड विल नॉट पास एंड सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड सेकेंड एग्जाम्पल स्टोन एंड वाटर स्टोन विल ऑल्सो नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर बिकॉज स्टोन विल ऑल्सो नॉट डिजॉल्व इन वाटर आयरन फिलिंग्स एंड वाटर फाइलिंग्स आयरन फाइलिंग्स एंड वाटर आयरन फाइलिंग्स विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर सो इट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर गुड बाय हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद